महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी खेला होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। दरअसल इसकी वजह अजीत पवार के गुट के नेताओं की शरद पवार के साथ हो रही मुलाकातें। सोमवार को जहां अजीत पवार के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुंबई में उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की थी, तो वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी शरद पवार के आवास पहुंची है। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज पुणे में मोदी बाग पहुंची। सांसद सुनेत्रा पवार एक घंटे से अधिक समय तक मोदी बाग में रही। उस समय शरद पवार भी मोदी बाग में ही मौजूद थे। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि मोदी बाग में सुनेत्रा पवार ने किससे मुलाकात की और किस पर चर्चा हुई है, लेकिन एक ही समय पर एक साथ ही स्थान पर सुनेत्रा पवार शरद पवार की घंटों मौजूदगी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की पत्नी की सुनेत्रा पवार की बारामती से हुई शुरुआत। उन्होंने इस सीट पर अपनी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। परिवार के दो सदस्यों के बीच चुनावी लड़ाई के चलते बारामती सीट लोकसभा चुनाव की हॉट सीटों में से एक थी। ननद भाभी चुनावी लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि सुनेत्रा पवार ये चुनाव हार गईं। सुप्रिया सुले ने उन्हें करीब 1.5 लाख वोटों से मात दी। हालांकि एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर सुनेत्रा पवार ने नामांकन दाखिल कर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका जब सुनेत्रा पवार और शरद पवार के बीच मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। शरद पवार के आवास मोदी बाग में सुनेत्रा पवार करीब 1 घंटे तक रही। इसी तरह से अजीत गुट के नेता छगन भुजबल भी कल शरद पवार के आवास पर घंटों रुके रहे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत भी हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या सुनेत्रा पवार ने भी शरद पवार से मुलाकात की है। शरद पवार से मुलाकात के बाद कल छगन भुजबल ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत हुई है। भुजबल ने कहा कि शरद पवार राज्य के बड़े नेता है, मराठा आरक्षण को लेकर के राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इस पर चर्चा हुई। भुजबल ने बताया कि शरद पवार ने मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए हामी भरी है, इसमें राजनीति करने जैसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। इसके बाद एनडीए के खेमे में टूट की खबरें भी सामने आई। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम दल अपनी अपनी खेमेबंदी में जुट गए हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिवसेना और एनसीपी दो भागों में बंट चुकी है। ऐसे में चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों ही गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा काफी मुश्किल साबित होगा। जाहिर तौर पर पार्टी चाहेगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, जिससे वो राज्य की राजनीति में और भी मजबूत हो। साथ ही गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए भी विधायकों की संख्या बेहद मायने रखती है। ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी क्या आने वाले समय कोई बड़ा फैसला ले सकती? क्या इन मुलाकातों के पीछे खुद अजीत पवार हैं या फिर कोई और बात है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। videodeskamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।